आज डिस्कस करेंगे एलोंगेशन ऑफ बार की एक प्रॉब्लम के बारे में कि जो एलोंगेशन ऑफ बार होती है, सोम का एक टॉपिक है, उसको हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास ये फिगर है जो हमें सॉल्व करनी है कि जो एलोंगेशन ऑफ बार है इसकी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, हमें फोर्सेस दी गई हैं जो कि इसके ऊपर लगी हुई हैं, जैसे 50 किलो न्यूटन इस तरफ है, 80 किलो न्यूटन इस तरफ है, 20 किलो न्यूटन इस तरफ है लेफ्ट की तरफ, और 10 किलो न्यूटन भी लेफ्ट की तरफ है। और हमें दिया है एरिया इसका, 1000 mm² एरिया दिया है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी है 100 GN की। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए? तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है एलोंगेशन का, डेल इक्वल टू PL/AE। ये फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव किया था और ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं एलोंगेशन ऑफ बार निकालने के लिए। तो यहाँ पे तीन हमारे पास सेक्शन हैं जिनकी अलग अलग लेंथ है और अलग अलग फोर्सेज उन पर एक्ट कर रही हैं। तो हमें क्या चाहिए? प्लस और माइनस हम देखेंगे जब फोर्सेस लगेंगी उसके अकॉर्डिंग। Del1 चाहिए, Del2 चाहिए और Del3 चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए, फिर हम इनके थ्रू निकालेंगे एलोंगेशन ऑफ बार। तो सबसे पहले हमें करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए? हम क्या करते हैं, एक फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं और एक को नेगेटिव लेते हैं। मीन्स अगर हम इस तरह के एरो को जो राइट की तरफ जा रहा है उसको ले ले पॉजिटिव, और जो लेफ्ट की तरफ ये एरो हैं इनको ले ले नेगेटिव। तो आप देखेंगे इसमें से हाइयर लोड चूज कर लीजिए। देखिए 10 किलो न्यूटन है, ये 20 है, ये 80 है और ये 50 है। तो सबसे हाइयर लोड कौन सा है? सबसे बड़ा लोड 80 किलो न्यूटन है जो कि पॉजिटिव की तरफ है। तो हम 80 को एक तरफ लिख लेते हैं इक्वल टू, क्योंकि ये सबसे बड़ा लोड है। अब जो इस तरफ के लोड हैं उनका हम एडिशन करेंगे, वो इसके बराबर आने चाहिए जो सबसे बड़ा लोड है। तो वो कैसे? देखिए ये 50 है इस तरफ है, तो 50 सेम जो एरो हैं वो सेम कर लेते हैं हम, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 20 भी इस तरफ है तो 20 लिख लिया हमने, और 10 भी इस तरफ है तो 10 लिख लिया। तो ये क्या आ गया? 50, 20 + 10, 50, 20 और 10, ये आ गया 80। मीन्स 80। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये एक्विलिब्रियम में है। तो जो हायर लोड है वो बाकी सारे लोड्स के बराबर है जो फोर्सेस लग रही हैं। जो ये फोर्स है 80 किलो न्यूटन की, इसके जो अपोजिट हैं वो भी 80 है। तो मीन्स ये एक्विलिब्रियम लोड है। तो ये हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अलग अलग सेक्शन पे, जैसे हम इसके स्टेप बना लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है, कितनी फोर्सेस और वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है वो कैसे एक्ट करेगी? तो हम फर्स्ट सेक्शन को चूज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन हम बनाते हैं। तो इसके ऊपर देखिए 50 किलो न्यूटन इस तरफ है, 50 किलो न्यूटन, और इस तरफ भी अगर एक्विलिब्रियम में है ये तो 50 किलो न्यूटन होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेक्शन है जिसके ऊपर एक्विलिब्रियम की अगर हम कंडीशन लें तो अगर इधर 50 है तो इधर भी 50 होगी। लेकिन सेकंड के अंदर क्या है? सेकंड सेक्शन हम लेते हैं, ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड है, ये वाला। अब इधर क्या है? 80 लग रहा है, 80 है, 80 है, लेकिन 50 इस तरफ है। तो एक्विलिब्रियम में फर्स्ट सेक्शन में क्या हुआ? 50 और 50। तो यहाँ से कितना कम हुआ? 30। मीन्स इसको हमने 30 माइनस किया तब ये 50 और 50 इक्वल आए। तो 80 इस तरफ है, 80 इस तरफ है तो पॉजिटिव है वो, और 50 इस तरफ है तो -50। तो मीन्स 30 इस तरफ लगेगा क्योंकि 80 बड़ा है, इस तरफ का जो फोर्स है वो बड़ा है। तो यहाँ पे कितना लगेगा? 30 किलो न्यूटन इस तरफ, और इस तरफ के एरो अगर हम ऐड करें इसी सेक्शन पे तो ये 20 है और ये 10 है इसी सेक्शन के ऊपर। तो ये कितना हो गया? ये भी हो गया 30। तो मीन्स ये भी एक्विलिब्रियम में है। जैसे फर्स्ट सेक्शन था 50 और 50, यहाँ 30 बचे उस तरफ, तो 30 इस तरफ था तो
तो इधर के एरो ऐड करेंगे 10 और 20, 30 इस तरफ है, तो बीच में भी एक्लिबेरियम आ गया। थर्ड स्टेप, थर्ड सेक्शन के अंदर, इस थर्ड के ऊपर क्या होगा? यहाँ 10 है, यहाँ पे हमें पता है इसने 10 किलो न्यूटन इस पे फोर्स लगा रखी है। अब यहाँ पे 10 है, अब यहाँ पे देखिए 30 इस तरफ था, जो बचा था 80 माइनस 50, 30 था जो इस तरफ लगा। अब 30 इस तरफ है, इस तरफ है ना ये, तो पॉजिटिव है, और 20 उस तरफ है तो नेगेटिव है। 30 माइनस 20, ये कितना रह गया? 10। तो 10 इस तरफ, जो कि ये इस तरफ है, और 30 मीन्स 30 माइनस 20, 10 इस तरफ, फिर भी बड़ा है उधर वाली फोर्स, तो ये क्या आ गया? 10। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें तीनों सेक्शन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, इस पे टेंसाइल फोर्स एक्ट की क्योंकि ये दोनों तरफ एक्ट कर रही है बाहर की तरफ, इस पे कंप्रेसिव फोर्स है और इस पे भी कंप्रेसिव फोर्स है, तो कंप्रेसिव फोर्स को हम माइनस में लेते हैं और टेंसाइल फोर्स को पॉजिटिव में लेते हैं। तो डेल वन है जो, मतलब फर्स्ट सेक्शन का, वो तो पॉजिटिव है, ये माइनस में होगा, डेल टू ये माइनस हो गया और डेल थ्री भी माइनस हो गया। तो मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें एलोंगेशन निकालनी है अगर इस बार की, तो डेल वन जो पॉजिटिव है उसमें से माइनस होगा डेल टू और माइनस होगा डेल थ्री, ये चीज़ हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेल वन की जगह पुट करेंगे पी वन, एल वन, ए और ई हमें दिया है, तो पी वन अलग होगा, एल वन अलग होगा डेल वन के केस में। टू के केस में क्या होगा, यहाँ टू आ जाएगा, पी टू एल टू, और इसी तरह थ्री के केस में थ्री पी थ्री एल थ्री। तो हम इन तीनों को यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल वन माइनस डेल टू माइनस डेल थ्री, और हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। मेनली हमें क्या निकालना होता है इसमें, कि ये टेंसाइल हैं या कंप्रेसिव फोर्सेस हैं जो हर एक सेक्शन पे एक्ट कर रही हैं, तो हम इस तरह से उसको निकाल सकते हैं, एक को पॉजिटिव लेके जो इस डायरेक्शन में है राइट की तरफ, और एक को नेगेटिव लेके जो कि लेफ्ट की तरफ है। तो हमें हर एक सेक्शन को एक्लिबेरियम लोड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ताकि एक्लिबेरियम आ सके। तो ये थी एक प्रॉब्लम एलोंगेशन ऑफ बार की। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।